क्वांटम फिजिक्स में श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज़ उन पोटेंशियल सिस्टम या पार्टिकल्स के लिए किया जाता है जो एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हों, जैसे कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम या टनलिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर बैरियर। ये ऐसे आइडियलाइज सिस्टम्स हैं जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे सिस्टम के लिए अप्रोक्सीमेशन मेथड काम में लिया जाता है। कई तरह के अप्रोक्सीमेशन मेथड डेवलप किए गए हैं, जैसे कि पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड और WKB मेथड। पर्टर्बेशन थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि अगर हमें किसी सिस्टम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता हो तो उस सिस्टम में आए किसी स्लाइट चेंज की वजह से नया सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि हमें पार्टिकल इन 1D बॉक्स सिस्टम का सॉल्यूशन यानी वेव फंक्शन और एनर्जी आइगन वैल्यू एग्जैक्टली पता है। अगर इस 1D बॉक्स के पोटेंशियल को स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया जाए तो वेव फंक्शन और आइगन वैल्यू में कुछ एडिशनल टर्म्स ऐड हो जाती हैं जो नए सिस्टम का सॉल्यूशन होती है। इस तरह पहले से नॉन वेव फंक्शन और आइगन वैल्यू में करेक्शन ऐड करने को पर्टर्बेशन थ्योरी कहते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए ज़रूरी है कि विदाउट पर्टर्बेशन सिस्टम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पहले से पता हो, लेकिन अगर किसी सिस्टम का पहले से हमें कोई वेव फंक्शन या आइगन वैल्यू पता ना हो तो उस केस में वेरिएशनल या WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड काम में लेते हैं। वेरिएशनल मेथड का यूज़ तभी किया जा सकता है जब हमें दिए गए सिस्टम के लिए वेव फंक्शन का एक क्वालिटेटिव आइडिया हो, जैसे कि हमें पार्टिकल इन 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट का सॉल्यूशन वेरिएशनल मेथड से बताना है। तो चूंकि एक 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल वेल कुछ इस तरह का सिमेट्रिक होता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिमेट्रिक हो, मीन्स एक्स स्क्वायर या एक्स की इवन पावर की टर्म आए, प्लस माइनस इन्फिनिटी पर वेव फंक्शन वैनिश या जीरो होता हो, मीन्स एक्सपोनेंशियल की पावर में नेगेटिव की टर्म हो और कोई नोड पॉइंट ना बनाता हो, मीन्स एक्स के ऑड पावर की इंडिविजुअल पॉलिनोमियल टर्म ना हो। मतलब वेव फंक्शन e^-ax² के जैसा होगा। वेरिएशनल मेथड का यूज़ नॉर्मली ग्राउंड स्टेट या कुछ एक्साइटेड स्टेट्स को कैलकुलेट करने में किया जाता है। वहीं WKB मेथड को उन सिस्टम की एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन फाइंड करने के लिए काम में लिया जाता है जिनके लिए क्लासिकल लिमिट वैलिड हो। मतलब मान लेते हैं एक पोटेंशियल सिस्टम है जिसमें पोटेंशियल स्लोली वेरी कर रहा है। WKB अप्रोक्सीमेशन के लिए ज़रूरी है कि पोटेंशियल में यह वेरिएशन पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग डिब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा के कंपैरिजन में कम हो। कहने का मतलब यह है कि भले ही पोटेंशियल वेरी कर रहा हो, लेकिन वेरिएशन इतना कम और स्लो होना चाहिए कि पार्टिकल के कम एक डिब्रॉगली वेवलेंथ रीजन के लिए यह कॉन्स्टेंट बना रहे, तभी WKB अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया जा सकता है। WKB मेथड को 1926 में व्रेंजल, क्रैमर्स और ब्रुलेन ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था। उन्हीं के नाम पर इस मेथड को WKB मेथड कहते हैं। इनफैक्ट 1923 में मैथमेटिशियन जेफरी ने भी इसे डेवलप किया, इसलिए इस मेथड को कई बार JWKB अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। WKB मेथड का यूज़ पर्टिकुलरली दो तरह से किया जाता है, किसी बाउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करने में या किसी पोटेंशियल बैरियर से टर्निंग रेट को कैलकुलेट करने में। WKB मेथड के पीछे के असेंशियल आइडिया को समझने के लिए वी पोटेंशियल रीजन में मूव कर रहे एक ई एनर्जी का पार्टिकल अज्यूम करते हैं। इस पार्टिकल का श्रोडिंजर इक्वेशन -ħ² / 2m d2ψ/dx² + vψ = eψ होगा। इसे रीअरेंज करें तो हमें d2ψ/dx² + 2m/ħ² e-vψ = 0 मिलता है, जहां 2m/ħ² e-v को k² से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा हो तो इक्वेशन का सॉल्यूशन ae^±iωkx आता है, जहाँ k पार्टिकल का मोमेंटम है। वेव फंक्शन में प्लस साइन राइट की ओर ट्रेवल करने वाले वेव को और माइनस साइन लेफ्ट की ओर ट्रेवल करने वाले वेव को इंडिकेट करती है। यह एक ऑसिलेटरी यानी सिनोसॉइडल वेव फंक्शन है जिसके वेवलेंथ डिब्रॉगली इक्वेशन से 2π/k और एम्पलीट्यूड a है। अगर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल से कम हो तो श्रोडिंजर इक्वेशन को रीअरेंज करने पर इक्वेशन का सॉल्यूशन ae^±kx होगा। नाउ सपोज पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है बल्कि पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन यह वेरिएशन पार्टिकल की डिब्रॉगली वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है।
यह वेरिएशन इतना कम है कि कई वेवलेंथ के रीजन तक पोटेंशियल कांस्टेंट ही बना रहता है। चूंकि पोटेंशियल में वेरिएशन बहुत कम है, इसलिए यह माना जा सकता है कि वेव फंक्शन के नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर वेव फंक्शन सिनोसॉइडल है तो सिनोसॉइडल ही बना रहेगा। इस तरह के स्लोली वेरिंग पोटेंशियल की वजह से वेव फंक्शन का नेचर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड बहुत स्लो वेरी करते हैं। डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन के पीछे यही आइडिया है। बट इस पोटेंशियल रीजन में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर यह होल अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाती है। वो पॉइंट है जिस पर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल के इक्वल होती है। इस पॉइंट पर वेवलेंथ इन्फिनिट हो जाती है और इस सिचुएशन में यह नहीं कह सकते कि पोटेंशियल स्लोली वेरी कर रहा है, बल्कि इस पॉइंट पर एक सिंगल वेवलेंथ ही इन्फिनिट लेंथ की हो जाती है और पोटेंशियल इस रेंज में वेरी कर रहा है। इस पॉइंट को क्लासिकल टर्निंग पॉइंट कहते हैं। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर क्लासिकली पार्टिकल अपने मोशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। इस रीजन को क्लासिकल रीजन कहते हैं। क्लासिकल रीजन में पार्टिकल का बिहेवियर समझने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर पार्टिकल की एनर्जी E है और वह V पोटेंशियल रीजन में मूव कर रहा है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन को रीअरेंज करने पर d2ψ/dx² इक्वल होगा -2m/ħ² e-v ψ के। 2m e-v को p² के इक्वल करने पर d2ψ/dx² इक्वल होगा -p²/ħ² के, जहां p पार्टिकल का क्लासिकल मोमेंटम है। यह पार्टिकल के मोमेंटम का क्लासिकल फॉर्मूला है। ध्यान रखें, पार्टिकल का क्लासिकल मोमेंटम क्वांटम मोमेंटम का ℏ टाइम होता है। अगर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा। इस रीजन को क्लासिकल रीजन कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल इसी रीजन में कन्फाइंड बना रहेगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ae²± iota ϕx का ऑसिलेटरी सॉल्यूशन मिलता है, जहां a एम्पलीट्यूड है और ϕ फेज है। अगर सिर्फ वन डायरेक्शन के लिए सॉल्यूशन को लिखें तो साई इक्वल होगा ae²iota ϕx के। इस सॉल्यूशन का डेरिवेटिव लेकर वापस से इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें यह इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन के दो पार्ट हैं, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। इन्हें सेपरेट करने पर रियल पार्ट a" इक्वल आता है a(ϕ²-p²/ℏ² के, और इमेजिनरी पार्ट a²ϕ²² इक्वल आता है 0 के। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने पर हमें एम्पलीट्यूड a की वैल्यू b/√ϕ मिलती है। बट इक्वेशन 3 रियल पार्ट को इतना ईजिली सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें अप्रोक्सीमेट मेथड काम में लेना होगा। अज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल में वेरिएशन की वजह से एम्पलीट्यूड a बहुत स्लोली वेरी कर रहा है, तो a" में वेरिएशन बहुत ही कम हो जाएगा। या प्रिसाइजली कहें तो a" और a का रेशियो ϕ² या p²/ℏ² के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, तो a" को नेग्लेजिबल 0 के इक्वल कर लेते हैं। ऐसे में इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ϕ इक्वल आता है ±1/ℏ∫pdx के। ϕ को इक्वेशन 4 में पुट करने पर एम्पलीट्यूड a की वैल्यू मोमेंटम के टर्म में मिल जाती है। इन दोनों सॉल्यूशंस को वापस से इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमें जनरल अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलता है। यह सॉल्यूशन केवल वन डायरेक्शन में ट्रैवलिंग वेव के लिए है। इसी तरह अदर डायरेक्शन में ट्रैवलिंग वेव का जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, बल्कि इसका मोड स्क्वायर प्रोबेबिलिटी को बताता है। इस फंक्शन का मोड स्क्वायर करने पर यह c²/p के इक्वल आता है। इसके अकॉर्डिंग पार्टिकल के किसी पॉइंट पर होने की प्रोबेबिलिटी उसके क्लासिकल मोमेंटम या वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यह वही रिजल्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पार्टिकल उस पोजीशन पर कम से कम टाइम स्पेंड करेगा जहां उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम मैक्सिमम होगी, क्योंकि हाई मोमेंटम की वजह से पार्टिकल काफ़ी तेजी से उस पोजीशन से दूर निकल जाएगा और वहां उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। इसके उलट, जिस पॉइंट पर मोमेंटम कम होगा वहां पार्टिकल काफ़ी टाइम स्पेंड करेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल के उस पॉइंट पर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से इस वीडियो में हमने डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन मेथड के पीछे के असेंशियल आइडिया को जाना। डब्ल्यू के बी मेथड के एप्लीकेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करें।